नमस्ते सभी को, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं 17 साल का हूँ। ये चैनल बनाने का पर्पस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी काइंड ऑफ इंजरी है, या फिर आप ओबेसिटी से गुजर रहे हो, या फिर आप बहुत ही ज्यादा स्किनी हो, उसके बावजूद भी आप गिवअप ना कर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। ये मेरा बेसिक पर्पस है। एक और पर्पस ये है कि मैं ड्रग फ्री बॉडी बिल्डिंग कैंपेन को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता हूँ इंडिया में, इंडिया के लिए। सो आई वॉन्ट टू शेयर माई स्टोरी ऑफ वाई आई गॉट इन टू फिटनेस। पहला कारण था ओबेसिटी। मैं कोविड के पहले एज स्टैंड में था और मैं बहुत ही ज्यादा मोटा था और मैं ओबेस कैटेगरी में फॉल करता था। तो इसके कारण स्कूल सब में सब मेरा बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, फिर ओबेसिटी की वजह से मैं बहुत ज्यादा बुली भी हुआ हूँ। दूसरा कारण ये कि मैं हमेशा ही डिमोटिवेटेड फील करता था, मैं बहुत ही ज्यादा लेजी हो गया था और मुझे किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तीसरा कारण ये कि आई नेवर फेल्ट स्ट्रॉन्ग टू ओपन अप। ओबेसिटी की वजह से मेरी कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गई थी। लाइक किसी से भी बात करते वक्त मैं बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करता था अपने बॉडी को लेके। फिर इसके बाद सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट जो मेरी छोटे से फिटनेस जर्नी में हुई, वो थी कोविड। मुझे कोविड टाइम में ही रियलाइज हुआ कि मेरे पास अभी ही टाइम है फिट होने के लिए। जहाँ पे एक तरफ सब मेरा मजाक उड़ाते थे और बहुत ही ज्यादा लोग मुझे बुली करते थे, तो उस वक्त सिर्फ एक ही इंसान ने मुझे मोटिवेट किया और वो है मेरे पापा। हाँ, मेरे पापा ही मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर रहे मेरे फिटनेस जर्नी में। उन्होंने कोविड के टाइम मुझे बहुत ही ज्यादा विगरेस एक्सरसाइज कराए, बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ, ताकि जो मेरे स्टबन फैट थे ओबेसिटी की वजह से वो पूरे मेल्ट हो जाए। और उन्होंने मुझे पहले लॉकडाउन तक पूरा ही कम्प्लीटली श्रेड कर दिया था। और इनके बाद जो मुझे मोटिवेट करते हैं वो है लॉर्ड हनुमान और हनुमान जी, क्योंकि वो स्ट्रेंथ और एनर्जी सिंबलाइज करते हैं। और फिर बाकी लोग जिसे मैं इंस्पायर हुआ था वो थे एक्टर्स और बॉडी बिल्डर्स। एक्टर्स लाइक ऋतिक रोशन, सलमान खान एंड जॉन अब्राहम ने मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया था मुझे बचपन से। एंड फिर लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स लाइक अर्नोल्ड स्वाज़नेगर, रॉनी कॉलमैन, जय कटलर एंड सिल्वेस्टर स्टेलोन ने भी मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया था। और फिर रिसेंट टाइम से मैंने जब मसल बिल्डिंग स्टार्ट किया था, बॉडी बिल्डर्स लाइक साकेत गोखले एंड सीबम ने भी मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया है। तो पहले लॉकडाउन में मेरे पापा ने मुझे बेसिक एक्सरसाइजेज लाइक स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स और इन्हीं एक्सरसाइज को हाई इंटेंसिटी में करा के मुझे कम्प्लीटली शेड कर दिया था। जिसके बाद मैंने स्कूल में स्पोर्ट्स सीखना चालू किया और फिर मैं बैडमिंटन और फुटबॉल बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता था, क्योंकि कोविड के पहले जब मैं बहुत ही ज्यादा मोटा था तब मैं कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलता था। फिर स्पोर्ट्स के बाद मैं ग्रेजुअली बॉडी बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। इससे पहले कि आपको कोई कॉन्टेक्स्ट ना मिल रहा हो वीडियो के बारे में, मैं अपने इंजरीज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जब मैं फुटबॉल खेलता था तो मेरे नी में सिवियर इंजरी हो गई थी। फिर नी इंजरी के बाद मैंने रेस्ट ली, रेस्ट लेने के बाद मैं बैडमिंटन खेलने गया और फिर बैडमिंटन खेलते वक्त मेरे लेफ्ट शोल्डर में हल्का सा लिगामेंट टेयर हो गया था। मेरा डोमिनेंट हैंड तो राइट साइड ही था पर मैं लेफ्ट हैंड से भी प्रैक्टिस करना चाहता था, तो उस दौरान मेरे लेफ्ट शोल्डर में इंजरी हो गई। फिर मेरे नी और शोल्डर इंजरी की वजह से मैं कंप्लीट रेस्ट पे था 2-3 महीने के लिए। एंड फिर इन इंजरीज के बाद मैंने कभी फुटबॉल और बैडमिंटन सीरियसली नहीं खेला जैसे मैं पहले खेलता था। अब मेरा ध्यान कंप्लीटली बॉडी बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होने लगा। एक्चुअली मैं अपने पापा की बॉडी और उनकी पर्सनैलिटी देख के इंस्पायर हुआ था। तो फिर मैंने अपने पापा से पूछा बॉडी बिल्डिंग के बारे में, उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा नॉलेज दिया। एंड देन यूट्यूब के थ्रू मैंने बहुत ही ज्यादा नॉलेज गेन किया बॉडी बिल्डिंग के बारे में। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपने स्कूल के जिम से। बहुत ही बेसिक सा जिम था लेकिन मैं भी बिगिनर था तो मेरे लिए वो काफी था। तो जिम में मेरा फर्स्ट वीक बहुत ही ज्यादा गुड टू गो था, क्योंकि मैं पहले हफ्ते में सिर्फ पुशअप्स और पुलअप्स ही लगा रहा था। लेकिन फिर उसके नेक्स्ट वीक में मैंने जब वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया तब मुझे जो इंजुरीज हुई थी उन इंजुरी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लग गया। तो फिर इंजुरीज की वजह से भी मैं बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। आई मीन लाइक मैं रेस्ट ले लेके करता था ताकि पेन ना हो मुझे, बट कोई भी कंपाउंड मूवमेंट लाइक डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट्स के वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा पेन होता था मेरे इंजुरीज में। तो फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग भी छोड़ दिया और फिर उन 2-3 महीने जो भी नॉलेज मैंने यूट्यूब से ली थी या जो भी नॉलेज मुझे मेरे पापा ने दिया उसे मैंने प्रैक्टिकली जिम में अप्लाई करना शुरू किया और मुझे रिजल्ट्स भी दिखे। और फिर उन्हीं 2-3 महीनों में मुझसे जितना गेन हुआ मैंने किया और आज भी वही गेन से मेरे पास। उसके बाद मैंने कभी भी वेट लिफ्टिंग नहीं किया। तो आई कैन से मैं सिर्फ 2-3 महीने ही कंसिस्टेंट था और उसके बाद से ना मैंने कोई स्पोर्ट्स खेला है ना ही मैंने वेट लिफ्टिंग की है, क्योंकि मेरे इंजुरीज मुझे बहुत ही ज्यादा पेन दे रहे थे। फिर ऑलमोस्ट 5-6 महीने तक मैं कंप्लीट रेस्ट पे था। एंड फिर रिसेंटली मेरे 12th के एग्जाम्स भी खत्म हुए तो मैंने सोचा क्यों ना फिजियोथेरेपिस्ट से मैं बात करूं और अपने इंजुरीज के बारे में समझाऊं उनको कि मुझे कौन से मूवमेंट्स में तकलीफ होती है। तो मैं कल यानी 11th ऑफ मार्च की अपॉइंटमेंट ली थी, मैं कंसल्ट करने गया डॉक्टर को और फिर जो रिपोर्ट्स आए वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इतनी बड़ी लिस्ट देखकर तो मैं खुद शॉक हो गया था। मोस्टली इसमें यही लिखा है कि शोल्डर इंस्टेबिलिटी है, ट्रिगर पॉइंट्स है, जो मेरी लिम्ब लेंथ है दोनों लेग्स की उसमें डिफरेंस है, मेरे लेफ्ट के क्वाड्स में वीकनेस है एंड बैडमिंटन खेलने की वजह से जो इंजरी हुई थी लेफ्ट साइड में उसके कारण विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो गया है। ऑल्सो मेरे दोनों रिस्ट बहुत ही ज्यादा पॉप कर रहे थे, स्पेशली लेफ्ट साइड। बेसिकली मेरे लेफ्ट नी, लेफ्ट क्वाड्स, लेफ्ट लिम्ब, लेफ्ट शोल्डर, इट्स लाइक कम्प्लीटली लेफ्ट साइड पूरी तरह पैरालाइज हो गया। तो फिर अगले 5-6 हफ्तों के लिए मुझे उनके फिजियोथेरेपी सेंटर जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो मेरे पूरे बॉडी को स्ट्रेंथन करेंगे और जो भी मेरे अपने वीक पॉइंट्स उनको बताएं और मेन फोकस उसी पे रहेगा, बट वो ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथनिंग भी करने वाले। तो अगर आप बोर होकर यहाँ तक भी वीडियो देख लिए हैं तो थैंक यू सो मच। तो बस इसी टाइम में मैंने भी सोचा कि मैं एक चैनल स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि आई फील कि इनका जो फिजियोथेरेपी सेंटर है और इनके जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत अच्छे से समझी है। एंड आज 12th of March मेरा पहला सेशन था और इनके पहले सेशन के बाद जो फील हो रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि 1 महीने में पक्का मुझे पूरा ठीक कर देने वाले। तो मैंने सोचा क्यों ना जिम के पहले ये वाला पार्ट मैं अपने चैनल पर डाल दूँ। तो
तो अगले 5 से 6 हफ्ते आप सिर्फ मेरी रिकवरी वाली वीडियोस देखोगे, देन फिर मैं धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग वीडियोस पे शिफ्ट करूंगा। एंड क्योंकि ये नया चैनल है, मैं अपने रिकवरी टाइम में यूट्यूब एल्गोरिदम के बारे में भी सीख लूंगा एंड प्रोडक्शन वर्क के बारे में भी सीख लूंगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे कोई लाइफस्टाइल डेली व्लॉगिंग टाइप्स नहीं करना है, मुझे वो रॉ फिटनेस जर्नी शेयर करनी है आप लोग से, जिसमें आपको मेरी जर्नी देखने को मिले कि कहां से मैंने स्टार्ट किया था। एंड आई होप कि इससे बहुत लोग इंस्पायर भी हो जिनको बहुत सारी इंजरीज हुई हैं, या फिर लोग जो बहुत ही ज्यादा स्किनी या बहुत ही ज्यादा मोटे हैं एंड जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए चैनल है। क्योंकि इधर मैं बहुत ही ज्यादा रॉ वीडियोस डालने वाला हूँ, मुझे व्लॉगिंग के नाम पे आजकल जो हर यूट्यूबर करते हैं कुछ भी शेयर नहीं करना है। मैंने चैनल स्पेसिफिकली उसी टारगेट ऑडियंस के लिए बनाया है जो मोस्टली टीनेजर्स हैं, साथ ही साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। वैसे यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली।